हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुचोर में। मैं हूँ चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरे लहसुन, मेथी और मक्के के थेपले जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और घर में मिलते इंग्रेडिएंट्स से बन जाते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरा लहसुन लिया है। तो हरा लहसुन जब आप मार्केट से लेते हैं तो आपको खास ध्यान रखना है, जो बड़ी डंडी वाले जो हरा लहसुन मिलता है वो आपको नहीं लेना है। अगर ये छोटी डंडी वाला लहसुन मिलता है तो आपको वही लेना है, नहीं मिले तो ही वो आपको लेना है। तो ऐसे पतले पतले वाले जो लहसुन मिलता है फ्रेश लहसुन, वही आपको लेना है। इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसका जो ऊपर का लेयर रहता है वो मैंने एक लेयर निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से लहसुन को कट कर लिया है। इसे हम एक बॉल में ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ्रेश मेथी, इसे भी हम एकदम बारीक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेथी को अच्छे से पहले धो लिया था और इसके बाद मैंने इसे कपड़ों में सुखा दिया था। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इसे हम एकदम बारीक कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है और एकदम बारीक कट कर लिया है। तो ये मैंने 2 कप मेथी को कट कर लिया है और इसी के साथ मैंने हरा धनिया भी एकदम बारीक कट कर लिया है। तो ये है 1/4 कप। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मक्के का आटा। तो यहाँ पे मैंने 2 बार बारीक छन्नी से इसे छान के लिया है। तो आपको खास ध्यान रखना है, इसे बारीक छन्नी से अच्छे से छानने के बाद ही लेना है। तो यहाँ पे मैं 2 कप मक्के का आटा ले रही हूँ और इसी के साथ 1 कप मैं गेहूँ का एकदम बारीक वाला आटा ले रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें ले रही हूँ 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, तो मैं यहाँ पे 1/2 कप ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पेस्ट लिया है। तो यहाँ पे मैंने ये जो इस टाइप की तीखी वाली मिर्ची आती है वो, अदरक का टुकड़ा और फ्रेश हल्दी आता है, इसका मैंने पेस्ट बना के लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया था, तो इसका पेस्ट मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। इसी के साथ मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन और इसे हम हाथ से इस तरह से मसल के लेंगे। 1/2 टीस्पून हींग, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं ले रही हूँ 1/4 कप फ्रेश मलाई, दूध की जो मलाई आती है वो लेना है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप 1/2 कप दही से भी आटा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया है फ्रेश मलाई। इससे जो ये थेपले बनते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश दही भी ले सकते हैं, अगर दही ले रहे हैं तो आप 1/2 कप जितना डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून तिल। अब मैं ले रही हूँ फ्रेश मेथी, यहाँ पे मैं 2 कप ले रही हूँ और इसे एकदम अच्छे से बारीक कट करके लेना है। तो यहाँ पे मैं 2 कप ले रही हूँ। मेथी का प्रोपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अभी फ्रेश लहसुन की सीज़न है तो मैं फ्रेश लहसुन ले रही हूँ, अगर नहीं है तो आप सूखा हुआ लहसुन को पेस्ट बना के भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आलू को बॉईल करके ग्रेट करके ले रही हूँ और यहाँ पे मैं 2 आलू ले रही हूँ मीडियम साइज़ के। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने घी यूज़ किया है, इसकी जगह आप मूंगफली का तेल ले सकते हैं, इसी से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने अभी फ्रेश वाली हल्दी की सीज़न है इसलिए फ्रेश वाली हल्दी यूज़ किया है, अगर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही पानी डाल के हम आटा तैयार करेंगे। ये जो थेपले है आप इसे सुबह में चाय के साथ या शाम के टाइम या तो डिनर में भी ले सकते हैं और इसके साथ छुंदे की चटनी, जो मैंने पहले से यूट्यूब पे वीडियो इसका अपलोड कर दिया है, इसके साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। इवन इसके साथ आप दही के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये जो थेपले बनते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इसे आप आम के अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
इसे आप कोई भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। आलू की सब्जी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो इवन आप रायते, वेजिटेबल रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वेजिटेबल रायता का वीडियो मैंने पहले से ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बॉइल आलू यूज़ किया है, इससे क्या होगा, आटे में एक अच्छा सा बाइंड आएगा और थेपले जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। यहाँ पे हमने 2 कप मक्के का आटा लिया था, तो आप इसकी जगह 1 कप मक्के का आटा और 1 कप ज्वार का आटा और 1 कप गेहूं का आटे से भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल या घी थोड़ा सा ऊपर डाल देते हैं और वापस इसे थोड़ा सा अच्छे से फिनिशिंग दे देते हैं। अभी इतने आटे से आप 5 लोगों को थेपले सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो डो है हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैंने 1/2 कप से भी थोड़ा कम पानी यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे और इसके बाद हम थेपले बेलेंगे। तो 5-7 मिनट हो चुकी है, अब हम इसे बेल लेते हैं। हाथ से इस तरह से हम गोला तैयार करेंगे, थोड़ा सा हम बड़ा ही गोला तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम गोला तैयार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, गेहूं के आटे में इस तरह से रोल करेंगे। इसे हमने आटे में रोल कर लिया है, अब हम इसे बेल लेंगे। अभी इसमें हमने मक्के का आटा डाला है तो इसकी जो बॉर्डर है वो थोड़ी फटेगी, पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। और हल्के हाथ से इसे हमें बेलना है और थोड़ा सा हम मोटा ही इसे बेलेंगे। अब क्या करेंगे, इसे हम इसे कट कर लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, डिब्बे का जो ढक्कन रहता है इससे भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम छोटे साइज़ के थेपले तैयार करेंगे और यहाँ पे हमारा तवा भी गर्म है, तो सेम वे हम दूसरा भी थेपला बेल लेते हैं। इसे आपको हल्के हाथ से बेलना पड़ेगा। इसे हम पलट लेते हैं, थेपले के ऊपर हम थोड़ा सा घी स्प्रेड कर लेते हैं। आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं और इसे हम पलट देंगे। वापस इसे पलट लेते हैं। तो ये थेपला हमारा रेडी है, इसे प्लेट में निकाल देते हैं। तो ऐसे ही हम सारे थेपले रेडी कर लेते हैं। बटर और थेपले के साथ मैंने सर्व किया है मेथिया मर्चा, अथेली हल्दी, वेजिटेबल रायता, आप इसकी जगह प्लेन रायता या चाय भी ले सकते हैं। और इसके साथ मैंने छुंदे की चटनी, जो इसके पहले मैंने यूट्यूब पे इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने हरी हल्दी, हरा लहसुन और मिर्ची की चटनी बनाई है। सुपर टेस्टी हरे लहसुन, मेथी और मक्के के थेपले हमारे रेडी हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हमारी और एक चैनल है फूड क्यूचर बाय जूनियर शेफ, आप इसे भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।